ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है, इसको ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया, हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था सात पार्टी में, अध्यक्ष महोदय जान करके भगा दिए उधर, हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको दो ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। गवर्नर बनने के लिए बीजेपी के आगे पीछे घूम रहा है, इसको हमने मुख्यमंत्री बना दिया था, ये क्या मुख्यमंत्री था, मेरी मूर्खता से सीएम बना। दो महीने के अंदर ही मेरी पार्टी के लोग कहने लगे इसको हटाइए, ये गड़बड़ है, फिर हम मुख्यमंत्री बने। ये शब्द है बिहार के सीएम नीतीश कुमार के। बिहार की राजनीति इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों से गरमाई हुई है। पिछले दिनों विधानसभा में उनके सेक्स को लेकर दिए गए बयान का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि एक बार फिर नीतीश कुमार सदन में आपे से बाहर हो गए और फिर ये सब कह डाला जो आपने अभी ऊपर ही सुना। इस बार उनका गुस्सा कभी उनके सहयोगी और करीबी रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर फूटा। नीतीश इतने गुस्से में दिखे कि पार्टी के नेताओं को उन्हें शांत कराने के लिए आगे आना पड़ा। दरअसल बिहार में जब से जाति सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है तभी से बवाल मचा हुआ है। विपक्ष रिपोर्ट में बताए गए आंकड़ों को खारिज कर रहा है, लेकिन महागठबंधन सरकार उसी आंकड़ों के आधार पर राज्य में जाति आरक्षण की सीमा बढ़ाने का बिल ले आई और विधानसभा से पारित कर दिया। सदन में इस पर चर्चा के दौरान पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जैसे ही इसकी खामियां गिनाने लगे मुख्यमंत्री को गुस्सा आ गया और वो भड़कते हुए तुम ताम ना जाने क्या क्या कह डाला। नीतीश ने ये भी कहने में गुरेज नहीं बरता कि मांझी उनकी यानी नीतीश की मूर्खता से सीएम बने। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि हम नहीं मानते कि बिहार में जातिगत जनगणना सही हुई है, मुझे सरकार के आंकड़े पर भरोसा नहीं है, अगर आंकड़े गलत हैं तो सही लोगों तक लाभ नहीं पहुंचेगा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की बात चल ही रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत बोल उठे। भरी सदन में उन्होंने मांझी को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आदमी यानी मांझी को कोई आइडिया है, इसको हमने मुख्यमंत्री बना दिया। दो महीने के अंदर ही मेरी पार्टी के लोग कहने लगे कि इसको हटाइए, तब जाकर मैं मुख्यमंत्री बना। इसके बाद उन्होंने बीजेपी विधायकों की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि इसको गवर्नर बना दीजिए, ये मांझी गवर्नर बनना चाहता है। बात करते करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने बेकाबू हो गए कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ साथ सत्तारूढ़ दल के दूसरे विधायकों को उन्हें शांत कराना पड़ा। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बयान देते हुए अध्यक्ष पर ही आरोप लगा दिया कि अध्यक्ष सत्ता के पक्ष में निर्णय दे रहे हैं जो संविधान और जनतंत्र के लिए घातक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो दोषी हैं ही, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी भी उनसे कम दोषी नहीं। आपको बता दें एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच हाथापाई तक की बात पहुंच गई, विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा हुआ। इसके अलावा जीतन राम मांझी के समर्थन में बीजेपी के कई नेता उतरे और नीतीश कुमार के विवादित बयान पर इस्तीफे की मांग तक की। बिहार की राजनीति लगातार उलझती जा रही है और बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ये बयान कहां तक जाएगा और मामला कहां तक बढ़ेगा, इसके बारे में तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता।